आपके साथ। प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा विद्युत कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ अभियंता को ज्ञापन सौंपकर लोगों के साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध मांग पत्र पर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की गई। इन कर्मियों का आरोप है कि उनका बकाया एरियर और जनवरी से मार्च तक का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। इसके अलावा श्रम विभाग के नियमों का पालन एग्रीमेंट के हिसाब से मानव बलों से शिफ्ट पाली क्रम में कार्य लेने की मांग भी की गई है। कर्मियों की माने तो यह काफी जोखिम भरा कार्य है, जिसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण देना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हम लोगों का लंबित मांग है, हम लोगों को 6 महीना से अभी तनख्वाह नहीं दिया गया है, जिसके बाद में 24 घंटा काम लिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों का मांग समान काम समान वेतन भी चाहिए, और हम लोगों को यहाँ से एक दूसरी जगह से ट्रांसफर किया जा रहा है बार बार, और अफसरशाही किया जा रहा है। यहाँ के विद्युत अधीक्षक अभियंता के आदेश पर हम लोगों का पेमेंट को रोका गया है, जिसके चलते हम लोगों का काम धंधा बंद करना पड़ रहा है। सबकी भुखमरी की हालत आ गई है। हमारे मानव बल को 5400 रुपया मात्र मिलता है, जो कि श्रम संसाधन विभाग के तरफ से वो मैंने लेबर कमिश्नर के तरफ से जो कि न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हम लोग धरना पर बैठे हैं। और उसके बाद में हमारा जो यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग जो किया जा रहा है, उसके एवज में न तो टीए मिलता है, न तो उसका एडवांस दिया जाता है, और उसको ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है बार बार, और हटाने की यहाँ पे साजिश चल रहा है ताकि दूसरे को हटा करके दूसरे स्टाफ को रखा जाए, यहाँ पर कम पैसा में उसको हटाया जाता है। पूर्व में भी 31/12/2017 को एक ज्ञापन सौंपे गए थे हम एसी साहब को, उसके बाद में उसके बावजूद भी कोनो निदान नहीं निकला, और ट्रांसफर पोस्टिंग हमेशा होते रहा। बहुत सी प्रक्रिया जैसे शिफ्टी के नाम पे बहुत सी ऐसे जो बिंदु हम लिखित में आप लोग दे रहे हैं। दूसरी चीज़ की है, जब से श्री प्रवीण कुमार सर स्कूटी इंजीनियर पूर्णिया डिवीज़न में जब से कार्यभार संभाले हैं, संभालने के बाद में इसके बाद और भी ज़्यादा विचित्र हाल हो गया है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमने एक निर्णय लिए सारे सहयोगी के साथ में, और इस चीज़ के लिए कि किसी का मनमानी और ऑफिसर शाही नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक मुझे मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग स्वयं बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक।